हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ श्रवण। स्वागत है आपका एसके ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं रेक्टेंगल मार्केट टूल। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा ये है रेक्टेंगल मार्केट टूल के बारे में। तो मेन तो रेक्टेंगल मार्केट टूल के लिए कोई भी सिलेक्शन बनाने के लिए, उसको मूव करने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस इमेज को मैंने सेलेक्शन बना दिया, ये अगर मैं मुझे इस इमेज को किसी और इमेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं एक इमेज और ओपन कर लेता हूँ ये। तो यहाँ से मैं वापस मूव टूल पे आऊँगा। मूव टूल से इसको सिंपली माउस का बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आसानी से ये उससे कि इसका प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन। देखो ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन करते से ही इसमें सेलेक्शन को आप एडजस्ट कर पाएंगे, छोटा बड़ा जिस टाइप से आपको एडजस्ट करना है कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप नए वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप 2020 तो उसमें आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो इसको आप जहां से आपको सिलेक्शन को कम करना है वहां से आप कम कर पाएंगे। और अगर डायरेक्ट अगर आप सीसी में अगर डायरेक्ट अगर इसको छोटा बड़ा करेंगे तो वो डायरेक्ट चारों कोनों से जो है बराबर ये मूव होगा दोस्तों। देखिए ये, और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए एक साइड से ही जा रहा है ना। तो एक ही तरीका हो गया। इसके बाद में इसको एंटर कर देते हैं। इसमें आ रहा है डिसेलेक्ट, ठीक है। डिसेलेक्ट का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन हमने बनाया वो डिसेलेक्ट हो जाएगा सिंपली। इसके बाद में सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स का मतलब होता है जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट इनवर्स करा तो जो हमने सिलेक्शन बनाया था वो सेलेक्ट नहीं हुआ दोस्तों। जो बाहर का जो हमने जो बैकग्राउंड को सेलेक्ट नहीं किया था वो अभी सेलेक्ट हो चुका है जैसे इनवर्स मैंने किया। इनवर्स करने से मतलब अपोजिट हो जाता है उसका। इसके बाद में आता है फेदर, ठीक है। यहां से आप फेदर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो इमेज में आपको एक इमेज हमने बिना फेदर के ली थी और ये दूसरी इमेज हम देखिए यहां से सिलेक्शन बना लेते हैं वापिस से और यहां पर मैंने देखिए फेदर को ऐड करा, मान लो 20, ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ यहां पर ले जाता हूं तो देखिए दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंट आता है। देखिए इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प है और इसमें जो हमने फेदर दिया था तो वो फेदर इसमें ऐड हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं। फिलहाल हमें फेदर नहीं चाहिए दोस्तों, तुमने फेदर को हटा दिया। इसके बाद में सेव सिलेक्शन, जैसे हम सेव सिलेक्शन करें जो सिलेक्शन बनाए वो सेव हो जाएगा सिंपली। और मैक वर्क पाथ, मैक वर्क पाथ का मतलब होता है जो भी आपने सिलेक्शन कराए उसका एक पाथ क्रिएट हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे पाथ वाला जो इमेज में पाथ वाला जो ऑप्शन में ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए मैक वर्क पाथ डबल क्लिक करता हूँ, एंटर कर देता हूँ तो ये इसको मैं सेव कर सकता हूँ वर्क पाथ में। जब भी मैं इस इमेज को उठाऊंगा अगर मेरे को ये सिलेक्शन वापस चाहिए तो सिर्फ मैं वर्क पाथ पर क्लिक करूंगा ये मेरा सिलेक्शन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में लेयर व्यू कॉपी, जैसे जो हमने सिलेक्शन बनाया था उसकी कॉपी बनानी हो तो कॉपी यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं और कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं और कट कंट्रोल एक्स करके कट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। न्यू लेयर, अगर न्यू लेयर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म फील, जो कलर फील करना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, ये देखिए जैसे मैंने एक स्ट्रोक दी
जहाँ पर सिलेक्शन था वहाँ पर एक स्ट्रोक लग गए दोस्तों, ठीक है। और फिल जो भी कलर हम यहाँ पर फिल करना चाहते हैं इस वाले एरिया में, वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये बताता है, जैसे फिल वाले ऑप्शन पे आता हूँ, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करता हूँ तो देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर हमारा वो फिल हो जाता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है। और इसके बाद में गॉशियन ब्लर और फेड फिल, इसके गॉशियन ब्लर मतलब जो हमने सिलेक्शन कर रखा है उसको ब्लर कर देगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सिलेक्शन को, सिंपली मैं एक इमेज को फिर से ओपन कर लेता हूं। ये इमेज को मैंने ओपन कर लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसमें जो ऊपर के जो ऑप्शन है उनको हम सीखेंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा न्यू सिलेक्शन, ठीक है। न्यू सिलेक्शन, जैसे मैंने ये कोई भी सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों बॉक्स फिल है, एड एड टू सिलेक्शन लिखा हुआ है, एड टू सिलेक्शन, ठीक है। मतलब इसमें अगर मैं कोई और सिलेक्शन बनाता हूँ तो उसमें ऐड हो जाएगा, या देखिए, ठीक है। अगर इस वाले पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सब ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आपको खाली दिख रहा है और एक बॉक्स भरा हुआ, मतलब जैसे मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो जो जो सिलेक्शन इसमें आ जाता है वो इसमें से रिमूव होता जाता है दोस्तों, देखिए, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है अपना इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दोनों को ज्वाइंट करना, ठीक है। अगर मैं कोई सिलेक्शन बनाता हूँ इस टाइप से तो ये वाले जो बीच में जो दोनों को ज्वाइंट कर रहा है वो सिलेक्शन रहेगा, बाकी दोनों साइड के सिलेक्शन नहीं रहेंगे, देखिए, ठीक है। ये देखिए जो भी सिलेक्शन बीच में ऐड होगा सिलेक्शन बनेगा, जिस टाइप से यहाँ पर जो बॉक्स, दोनों बॉक्स खाली है बाकी बीच में उस पर दिख रहा है ना, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। जो भी बीच में जो रहेगा सिलेक्शन का जो बीच वाला भाग रहेगा वो सेलेक्ट होगा, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो फेदर का ऑप्शन दे रखा है, जो फेदर हमने वहाँ पर देखा था, यहाँ पर हम 50 का अगर 50 पिक्सल का अगर फेदर दे देता हूँ तो देखिए इसके जो राउंड हो गए और यहाँ पर फेदर आ गया दोस्तों, ये देखिए। अगर मैं इसको दूसरी इमेज के ऊपर ड्रॉप करता हूं, देखिए ये देखिए इस टाइप से फेदर में वो सिलेक्शन आएगा दोस्तों। अगर मैं यहां पर फेदर नहीं रखता हूं, जीरो कर देता हूं, ठीक है, और फिर अगर इसको कंट्रोल सी करता हूँ या फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखिए, सॉरी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ फिर से, ये सिलेक्शन बनाया और कंट्रोल सी और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया दोस्तों, वो पहले जो बॉक्स बना हुआ था ब्लैक कलर की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा था तो हम उसे पहले मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन लेते हैं तो प्रॉपर होगा अपना, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ, देखिए दोनों बॉक्स में डिफरेंट आ गया है। ये देखिए जो फेदर वाला जो था इसके एजेस स्मूथ हो गए और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ नहीं हुए हैं एजेस, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है अपना स्टाइल, स्टाइल में आ रहा है फिक्स रेशियो, फिक्स्ड रेशियो और फिक्स साइज, फिक्स रेशियो, ठीक है। फिक्स रेशियो में जो भी एक फिक्स रेशियो में अगर आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहां से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कोई भी कलर फिल कर देता हूं इसमें,
वाइट कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे को विड्थ इसकी 5 चाहिए और हाइट इसकी 2 चाहिए, तो मैं जैसे ही इसको जितना भी बड़ा ले जाऊँ, बड़ा करूँगा इसको, तो इसकी विड्थ 5% ज़्यादा रहेगी हाइट के मुकाबले, ठीक है। इसकी विड्थ रहेगी 5 और हाइट रहेगी 2, ठीक है। अगर मेरे को बराबर चाहिए, 2x2 चाहिए, तो इसको देखिए दोनों तरफ से बराबर सिलेक्शन होगा। और इसके बाद में अगला आता है फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में कोई भी एक रेशियो सेट कर दो, वही रेशियो सेलेक्ट होगा। देखो 400x400 पिक्सल, ठीक है, वो इसी रेशियो में चलेगा। देखिए ये जो भी रेशियो एक फिक्स रहेगा, वही फिक्स साइज में, जैसे 400x400 पिक्सल मैंने करा, तो 400x400 का पिक्सल का ही बॉक्स बनेगा। और अगर फिक्स रेशियो में अगर करते हैं, रेशियो से क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया और 2 करा, तो इसकी विड्थ का 2% ही हाइट बढ़ेगी, ठीक है। और अगला ऑप्शन है अपना सेलेक्ट एंड मास्क। तो दोस्तों सेलेक्ट एंड मास्क जब मास्क की जो सीरियल हमने बनाई थी उसके अंदर हम लोग सीख चुके हैं, पर फिर भी इसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन अपना है एलिप्टिकल मार्क टूल। सेम है, इसमें सिर्फ राउंड शेप में बनता है, देखो सारे काम वही हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है सिंगल रो। सिंगल रो मतलब देखिए सिंगल एक लाइन ड्रॉ करेगा, ये देखिए, अल्ट और बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे, वो जो हमारा यहाँ पर कलर जो सेलेक्ट था वो वाइट था, इसलिए हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ये लाइन को ड्रॉ करने में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो रेक्टेंगल मार्किंग टूल बहुत ही यूज़फुल टूल है दोस्तों। इसमें जैसे और भी हम लोग सीख सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक इमेज ओपन करी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, ये देखिए ये हमने रेशियो शेड कर रखा था, उस वजह से ये हो रहा था, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल रखेंगे सॉरी, और इसका एक सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से ये लॉक इमेज लॉक लेयर है, तो इसको पहले लॉक को ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस वाली इमेज को मैं लाता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, और इस वाली इमेज को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, ये देखिए, और इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए एक बहुत ही प्यारी सी इमेज बन गई। उसको सिलेक्शन बना सकते हैं आप, और जो भी आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल मार्किंग टूल से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट ई कर दें, जिससे कि ये दोनों लेयर कंबाइन हो जाए, मर्ज हो जाए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।